let me tell you that this video is sponsored by one football application one football is the place that i go every single day as soon as i wake up it is free to use it has got all the latest reports and news regarding your club and all the leagues that you have been following plus it has live tickers as well so if you're missing a match and you want to know what's happening in the match you can check out the live tickers the stats over there are very much detailed and they also have

कभी एक बार हम होप करते हैं यार कि ये जो अच्छे मैचेस है ना ये हमें लेटर पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में ये मैचेस देखने को मिलते हैं और इनमें से भाई एक टीम आउट हो जाती है। तो इसका कहीं ये मतलब क्वालिटी गेम अच्छा गेम बट सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो कि आप और मैं जाना चाहते हैं क्या लिवरपूल रेडी है मड्रिड को फेस करने के लिए भाई लोग पिछले छह मैचेस में रियाल मड्रिड ने लिवरपूल को ठोका सिर्फ एक ड्रॉ रहा है पिछले सिक्स मैचेस में

है तो भाई एक ब्रेकिंग राइट्स जो होते हैं ना एक रिवेंज जो होता है ना लिवरपूल के लिए जो एक जो बोगी टीम तुम कह सकते हो मड्रिड हमेशा से रहेगी बट क्या लगता आपको? है आपको रिवेंज ऑन द कार्ड्स है कि नहीं है बिकॉज ये गेम काफी ज्यादा स्टेम करता है डीप टुवर्ड्स इट्स रूट्स टुवर्ड्स इट्स प्लेयर्स मैनेजमेंट एक टैक्टिकल इंसाइट उसके अलावा विलिंगनेस लिवोपुल और मड्रिड में से कौन ज्यादा विलिंग है टू गिव देयर हंड्रेड परसेंट एंड टू गो ऑन टू विन मैं तुमको एक बार बता दू लिवपूल शुड बी थैंकफुल कि ये फिक्चर अभी आ रहा है दो हफ्ते पहले नहीं आ रहा था बहुत अच्छी बात है क्योंकि लिवरपूल करेंटली दे हैव हाँ कहीं ना कहीं इंप्रूव दे फॉर्म और अभी तुम लिवरपूल को देखोगे पिछले मैच में जैसे उन्होंने न्यूकासल के गेम्स खेला उससे पहला मैच जो उन्होंने मोसी साइड डो खेली तो बैक टू बैक गेम्स उन्होंने विन किए हैं मडरड ऑन एक बात मैं तुम्हें बताऊंगा वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद से मडरिड ने चौदह मैचेस खेले हैं ठीक है एंड दैट इज सिक्स मोर देन वॉट लिवरपूल हैज प्लेड तो मोड्रिड ऑब्वियसली तुम देख रहे हो कि उन्होंने पहले सऊदी जाके सुपर कप में खेला एंड देन फिर से सऊदी गए आराम को उन्होंने फिर से वहां पे क्लब वर्ल्ड कप में खेला तो मोड्रिड को बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ा है बहुत ज्यादा फटीक हुआ है और खासकर उनके प्लेयर्स भी काफी इंजर्ड हैं सबसे इंपॉर्टेंटली क्रूज विल बी आउट ऑफ दिस गेम और तुमको पता है क्रूज कितना बड़ा मिस है यहाँ पे मोड्रिड के लिए नॉट जस्ट इन इन दिस गेम ऑफ लिवरपूल बट उनके एंटायरिटी ऑफ द सीजन के लिए हम जो जॉब क्रूज से एक्सपेक्ट करते हैं इट इज डीप लाइन प्लेमेकिंग बोल देना बहुत सिंपल है बट डीप लाइन प्ले मेकिंग क्या होता है क्या करता है क्रूज ऐसा भाई क्रूज लिटरली ना पिच पे इनविजिबल प्लेयर है मॉडरेट के लिए ही इज द गाय हु इज इनविजिबल कोई ध्यान नहीं देता क्रूज पे मैच खत्म होने के बाद हम आते हैं अबे भाई क्रूज का स्टार्ट देखा क्रूज के भाई 99 परसेंट पास एक्यूरेसी कंप्लीट थी क्रूज के सब मोस्ट नंबर ऑफ पासिस इन द फाइनल थर्ड थे क्रूज के सबसे ज्यादा बॉल ड्रिवल्स थे दिस इज वॉट वी टॉक अबाउट क्रूज और ये पार्ट मड्रिड पे इस मैच में कौन रिप्लिकेट कर पाएगा इस पर्टिकुलर पार्ट part को कौन जिम्मेदारी उठा के डिलीवर करेगा लिबोपुल के अगेंस्ट बिकॉज दे हैव टू हैव समबड़ी हु कैन स्प्रेड द पिच डिस्ट्रीब्यूट द बॉल्स लाइक क्रूज डॉस क्या वो कामाविंगा है क्या वो सब ऑस है क्योंकि इवन मॉड्रिज का वो स्ट्रेंथ नहीं है मॉड्रिज की वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो क्रूज के जॉब को रिप्लीकेट करे बट यहां पे मड्रिड के पास ऑब्वियसली इज बैक रूडिगर इज देयर ठीक है कारवाहाल इज बैक ऑन द राइट हैंड साइड बेनजीमा भी वापस आ जाएंगे ठीक है उनके पास प्लेयर्स है जो कि डिफरेंस बना सकते हैं बेंच के ऑब्वियसली बेंच पे फेडी है एस एंसियो है रोड्रिगो है अब हम लाइनअप के बारे में तो आगे बात करेंगे बट देन के मेरे कहने का मतलब है कि मड्रिड हैज द टीम विच इज रिक्वायर्ड टू बीट लिवरपूल बट क्या लिवरपूल इज रेडी टू फेस दिम एट दी एनफील्ड? एनफील्ड आनफील्ड एट मोस्टर सबको पता है भाई इट्स इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम्स टू गो आट। ठीक है बट यू डोट वॉन्ट बी द अपोजिशन टीम ओवर देयर बिकॉज आप तोड़ाने वाले हो बट लेटली दिसन बीन द केस लिवरपूल हैव नॉट प्लेड द बेस्ट गेम इवन एट आन बट गाइज मेरे ओपिनियन में ना ये जो गेम हो रहा है ये गेम आर्ट एनफील्ड लिवरपूल के लिए एक नई लाइफ ब्रीद करने वाला है मेरे ओपिनियन में लिवरपूल कहीं ना कहीं मुझे एक हल्की से एक वन टू तो फोर्टी नाइन परसेंट की एज लेते हुए दिख रही है आई फील कि इस पॉइंट टाइम पे जो लिवरपूल को एक पुश मिला है ना इसका भी मतलब नहीं कि मर्डर को पुश नहीं है ऑब्वियसली मर्र इज मर्डर बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है जस्ट दिस फिक्चर जस्ट दिस फर्स्ट लेग एट एनफील मुझे ऐसा फील होता है लेवपुल कहीं निक ना कर ले एंड वाई वाई एम सेंग दिस बिकॉज इट्स द परफेक्ट टाइम फॉर लेवपुल टू डू दिस इससे बेहतर टाइम नहीं मिलेगा इफ दे वॉन्ट बी एबल टू डू दिस दे विल एंटायरली स्टम्बल दिस सीजन पूरा पूरा स्टम्बल करने वाले हैं तुमको पता है कि दे हैव गॉट द प्लेयर्स बैक दे हैव गॉड वॉज एल वन डाइक बैक दे विल हैव माटे पिंदे मिड फील्ड देवी बाबा नुनू इज़ देर नुनू वार्म अप कर रहे थे ठीक है पूरी ट्रेनिंग वेनिंग की उन्होंने ही इज बैक विद द ट्रेनिंग यार तो आज मेरी रिपोर्ट जो वे, लास्ट टाइम मैंने भी पढ़ी है उसमें यह कन्फर्म किया गया है कि नूनियज इज बैक इन फुल ट्रेनिंग तो इट लुक्स की नूनियज वुड स्टार्ट क्योंकि न्यूनियज बहुत बड़े डाउट थे ठीक है नाउ हाउ कैन बोथ द टीम लाइन अप एंड टैक्टिकली मैच में क्या हो रहा होगा लेट्स टेक अ लुक एट दैट सो गाइज दिस इज माई इलेवन फॉर बोथ लिवरपूल एंड मडरेड देखो लिवरपूल के लिए यहाँ पे ट्रेंड मार्टेप वर्जल वाइक रॉबर्टसन बेजेटेक यहाँ पे खेल रहे हैं विद फैबी एंड हेंडो बिकॉज थियागो आउट है साला नूनियज एंड गैकपो ठीक है नो no ब्रेनर है यही लाइनअप होगा ऑब्वियसली मडविड के लिए यहाँ पे आई हैव गॉन एक ऑब्वियस uh, इलेवन है ऑब्वियस इलेवन है बट बहुत लोग डिफर करेंगे मुझे लगता है कि काफी लोग कहेंगे भाई कि फेडी को मिड में खिला दो सबयास को मत खिलाओ और एसेंसियो को या रोड्रिगो को खिलाओ मेरे ओपिनियन में मेरे भाई लोग आई वॉन्ट दिस बी द इलेवन ऑफ रियाल बिकॉज जो भी होगा नाडी वालवर्डे वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट यूटिलिटी प्लेयर ठीक है खासकर क्यों क्योंकि आई वॉन्ट एन फील्ड पे मडरिट अच्छे से डिफेंड करें एंड फेडी वालवर्डे बहुत इंपॉर्टेंट है मडरिट को प्रॉपर गेम प्ले के लिए और डिफेंडिंग के लिए भी ठीक है एक और बात में यहां पर पहले लाइनअप देखते हैं देखो कार्रवाह मिलिटा और रुडिगर अलाबा डेफिनेटली कम अविंग मुझे लगता है कि वो डी रोल में खेलने वाले हैं सबो पे शुड स्टार्ट डूइंग वेरी गुड एंड लुका मॉडर डेफिनेटली खेलेंगे विनीशियस एंड बनजीमा नो ब्रेनर ऑब्वियसली बस एक क्वेश्चन है कि फेडी को तुम स्टार्ट करोगे रॉड

साला ने चैंपियंस लीग फाइनल हाई सिक्स शॉट्स लिए थे उस मैच में बट लिवरपूल पुल लॉस दैट गेम ऑब्वियसली हम सबको पता है कि इट केम डाउन टू द इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑफ विनीशियस फेडी एंड ऑब्वियसली मड्रिड की एक यूनिटी uh, के साथ डिफेंडिंग करना एंड ऑल्सो टू दी कोर जो भाई वो गोटेड गोलकीपर की परफॉर्मेंस दी थी बट दिस इज नॉट अ फाइनल दिस इज नॉट अ फाइनल मेरे भाई दिस इज अ गेम जहां पे दो लेग्स हैं तो मड्रिड इन माई ओपिनियन कुड बी वेरी प्राग्माटिक वो जैसा डिस्प्ले हमने देखा था इनको दिखाते हुए अगेंस्ट PSG इन द फर्स्ट लेग रिमेम्बर जो सेट बैक कर रहे थे डिफेंड कर रहे थे एनकाउंटर कर रहे थे दे ऑलमोस्ट निक द गेम ऑलमोस्ट डिड द जॉब ठीक है आज इस मैच में मेरा ओपिनियन है हो सकता है कि मडरिड ना बॉल के साथ खेले हो सकता है कि दे वुड बी हैप्पी कि भाई आनफील्ड पे लिवरपूल को बॉल दे दो बिकॉज मड्रिड एक कर सकती है मडरिड हैव डन दैट इन द पास बट दैट वुड बी अ बिट रिस्की लिवरपूल को अलाउ कर देना कि गो ऑन एंड प्ले योर गेम इज वेरी वेरी रिस्की मेरे भाई लोग तो हो सकता है कि रियाल मड्रिड ये करे और ये हो भी सकता है कि ना भी करे मेरे ओपिनियन में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है मुझे क्या फील होता है मेरे ओपिनियन में आई थिंक उनको ये करना चाहिए बिकॉज आई हैव सीन मोडरेट डू दैट डिफेंड डीप एंड गेट द विंस उन्होंने बारसा के अगेंस्ट किया था पिछले साल के सुपर कप में उन्होंने पी एच डी के साथ भी किया था ऑब्वियसली वन एय की लॉस थी बट दैट वर्क आउट फॉर दम पीटी वेल उन्होंने पिछले अभी कुछ इस साल भी लालीगा में ये किया है दैट दे 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 हैव 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 बैक एंड एंड डिफेंडेड वन और खासकर एक काफी हाईली मोटिवेटेड लिवरपूल जो इस करेंट करेंटली जो अभी खेल रही है उस लिवरपूल की टीम के अगेंस्ट एक थोड़ा सा प्रागमेटिक अप्रोच में जाना थोड़ा सा सेट बैक करना लेवोपोल को कहना भाई हाँ यार एक लिवरपूल को सेंस ऑफ कंट्रोल देना भाई तेरे पास है कंट्रोल और उनको थोड़ा सा और चढ़ाना तो हल्का सा एक और कॉन्फिडेंस अगर आया एक मिस्टेक हुई तो मडेड वहाँ पे करेगी पेल क्योंकि ऑब्वियसली दिस टीम वर्क्स इन के दिस टीम वर्क्स जब सामने टीम की मिस्टेक्स होती है गलती होती है कैपिटलाइज करना उनकी गलती उसको विनीशियस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर भाई लोग बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ट्रेंट अगेंस्ट विनीशियस वुड बी द बैटल टू लुक आउट फॉर और इसको और इंटरेस्टिंग बनाया जाता है क्यों पता है क्योंकि ट्रेंट इज ऑन अ येलो कार्ड अगर ट्रेंट येलो कार्ड ले लेगा ले हराम खोर तो ट्रेंट वुड मिस दी रिटर्न गेम जो होने वाला है बरनबाउ पे तो तुम भाई समझ सकते हो कि आज क्लॉप की कितनी ज्यादा फट रही होगी वो ट्रेंट को कहेंगे बाबा देख ढंग से खेलियो और हाउ आर दे गना डिफेंड अगेंस्ट विनीशियस बिकॉज अगर बाबा विनीशियस यहां से थ्रू ऑन हो चुका है ट्रेंट अकेले वन वी वन में तो नहीं रोक पाएगा इस बंदे को ठीक है वॉट विल हैपन माटिप क्या स्ट्रेच करेंगे और एल्स क्या हैंडो ड्रॉप करने वाले हैं डिफेंड

विनीशस कैन कैपिटाइज विद दिस अगर विनीशियनफे लिंग विदीमा हु इज फॉलोइंग टू लिंग विदा एंड बॉफ फ्लैंग स्विच कर दी विद फेडी वाल वर्ड है इसी मोमेंट पर यहाँ पर आउट सेवन रॉड्रिको बिंग देयर एज अ प्लेयर ऑन द राइट विंग पोजिशन एज अ विंगर नॉट एज एंटीरियर प्लेयर इट वुड वेरी वेरी बेनिफिट रियाल मद्रिड क्योंकि बंद पास पेस है इवन फेडी के पास पेस है ही कैन गो फॉर्वर्ड यहाँ से एंड देन केन ओवरलैप रोबर्टो एंड देन बेजीमा एंड देन विनीशियस कैन अटैक एंड यहाँ पे एक सिंपल कट बैक करके गोल स्कोर कर सकती है रियाल मद्रद चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा किसको लिवरपूल को कि वो ओवरलोड को कैसे मैनेज कर रहे हैं क्योंकि मिडफील्ड की बैटल ऑब्वियसली आप जानते हो कि यार रियल मडरिड के पास थोड़ा एक सुपीरियर मिडफील्ड है बिकॉज फैबिनो का वैसा फॉर्म नहीं है हैंडो इज नॉट द सेम हेंड एंड एन ऑब्वियसली इज यंग प्लेयर तो मुझे ऐसा फील होता है कहीं ना कहीं मडरिड विल बी सुपीरियर इन मिडफील्ड इन स्विचिंग द प्ले इन कीपिंग कंट्रोल ऑफ द बॉल नॉट मीनिंग कि मडरिड के पास पोजेशन ज्यादा होगा बट बॉल को यूटिलाइज मडरिट ज्यादा करेगी दैट्स वॉर आई ट्राइंग टू सेवर बिकॉज कारवाहाल डेफिनेटली ऊपर चढ़ेगा एवरीथिंग कम्स डाउन तो कितनी गलतियां रूडीग करता है क्या पेरिंग वर्क करेगी मिलिटाव एंड रूडीगर की बिकॉज हमने देखा है कि रूडीगर एंड मिलिटाव हैवन बीन कंफर्टेबल विथ ईच अदर ज़्यादा बेहतर होता है जब अलाबा खेलते हैं यहाँ पे एंड फरलान मंडी इज ओवर है बिकॉज मिंडी, मिंडी अब हमस्ट्रिंग की वजह से इंजर्ड है क्रूज और चुआमनी दोनों आउट है बिकॉज ऑफ इलनेस दोनों को इलनेस है तो इसलिए वो नहीं है बहुत बड़ा लॉस है अगेन इन दिस गेम बट सी न्यूनियस कैसा खेलेगा न्यूनियस बिन वेरी गुड फॉर लोपो लेटली मुझे पता है कि बंदे के रिटर्न वैसे नहीं है गोल्स वैसे स्कोर नहीं करता है बंदा बट इस बंदे के जो रन है इस बंदे का जो अराइवल इन बिटवीन द डिफेंसिव लाइन्स है जो ड्रॉप करके लिंकअप करता है बॉक्स ना ही पोचर ही इज ए पोचर इन द बॉक्स वो वो भापता है कि भाई कहां हो रही है बॉल कहाँ आने वाली बॉल एन ही स्कोर्स द गोल्स सबसे इंपॉर्टेंट है साला आई वॉट हेम टू बी नॉट सेल्फिश बिकॉज ये हराम को बहुत सेल्फिश है मैं सच बता रहा हूं मैं प्लेयर्स को ऐसे कॉल आउट नहीं करता हूँ उनकी वीकनेस को लेकर बट दिस गायल डजन पास मैंने उसको कई बार देखा ऑब्जर्व किया एंड ही इज लाइक टूवर्ड्स द एंड में जाऊंगा मैं सब कुछ नहीं करूंगा मैं बाप पे आंका बापा फैंक दियो बॉल पक चोरी ने करनी है दिस इज वॉट इज गोइंग टू हैपन और इन अटैकिंग ट्रांजेक्शन लिवपूल वॉट डे है ट्रेंट को फ्रीडम चाहिए बाबा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर इनकी टीम में नो बडी वुड क्रिएट द चांसेज दैट ट्रेंट वुड डू बिकॉज बैजेटिक के पास क्रिएटिविटी नहीं है इवन फैबिनो हैंड हो ये नहीं कर पाएंगे द क्रिएशन वुड हैपन ओनली फ्रॉम द फुल बैक्स इट्स रोबो हु गोज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ट्रेंट जो इन अर्ली क्रॉसेस से बॉल डालेगा नूनियस के रन पे एंड गैपो के रन पे बिकॉज अगर मर्डर हाईलाइन खेलती है और पोजिशन ओवरटर्न होता है एंड ट्रेंट गेट्स द बॉल ही विल बी डूइंग दिस प्लेंटी नंबर ऑफ टाइम तुम देखना मैं ठोक के कह रहा हूँ तो ट्रेंड को कैसे डिफेंड करेगी रियाल मडर बी वेरी इंटरेस्टिंग क्या <laughs> मैं थोड़ा सा बोल्ड जाना चाहूंगा मुझे ऐसा फील होता है ना कि इस गेम को जीत रही है बट ये फिक्चर मुझे लगता है कि लिवरपूल जीत रही है बट यू कॉन्ट डेफिनेटली राइट ऑफ रियाल मोड्रेड इन दैपियन लीग आपका प्रिडीशन क्या है लेट मे नो इन दामेंट सेक्शन डाउन दलो मैं मिलता हूँ आउट गर्मी का सीज़न आ गया गर्मी आ गई हराम खोर हराम खोर पक, पसीने